YouTube चैनल। आज हम आपको बता देंगे रोड का काम कैसे हो रहा है, रोड का काम कैसे चल रहा है, इसके बारे में आपको बता दूँ। ये ग्रेडर हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसके पूरा हमने ये सब बेस डाला हुआ है, ए टू फोर मटेरियल है ये, उसे मिक्सिंग करके हम इसको ला रहे हैं बाकायदा मिक्स करके। इधर ला कर डाल रहे हैं 20 सेंटी का ये लाइर है। इसके ऊपर हमने बाकायदा ग्रेडर चला रहे हैं, ग्रेडर आप से भी आपको मिलवा सकता हूँ, उनसे भी बात कर सकते हो। ये बिल्कुल 100% डिपेंड होता है। इसके बाद हमने जाकर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, रोलर चलाते हैं, रोलर चलाकर बाकायदा इसको प्लेन करते हैं, इसके ऊपर FDT टेस्ट होता है, उसके बाद फिर असफल्ट के लिए हम तैयार करते हैं। हम आपके किताब को रेफर करते हैं, हमारा ट्रक है ऑपरेटर साइड के साथ, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं इसके बाद। अस्सलामुअलैकुम सर, मोहतरम क्या है, ठीक हो, खैर खैरियत से? नाज़रीन को बता दो ना ये आपने मशीन के बारे में, ग्रेटर के बारे में क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या लीवर है, कैसे सिस्टम है इसका? इसमें जी रोड बनाने के काम आता है ये ग्रेटर। हाँ थोड़ा ऊंचा बोलो। रोड बनाने के काम आता है ये ग्रेटर, बाल स्प्रेड वगैरह करते हैं, और इसकी अच्छी सैलरी भी है, लोगों को चाहिए कि ये सीखना चाहिए। सीखने के लिए अच्छे मौका है, आसानी से सीख सकते हैं। हाँ सीख सकते हैं। ये लीवर वगैरह ब्लेड वगैरह सारा सिस्टम आप? हाँ बहुत अच्छा मशीन है। आप टेक्नीशियन भी है, मैकेनिक भी है, ऑपरेटर भी है? जी जी हाँ जी। और ये इसका सैलरी भी बहुत अच्छा चलता है मार्केट में, अच्छी मशीन। ये पूरा ग्रेडर वगैरह ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा रोड का काम ये सब आपका जिम्मेदारी है? जी हाँ जी। बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ये देख लो नाज़रीन, ये इधर भी देख लो, ये हमारा कुछ डंपिंग हो रहा है, ये डंप ट्रक में ला रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया में इसको बोलते हैं डंप ट्रक बोलते हैं। इधर हम उसमें मटेरियल आ रहे हैं, मटेरियल को हम डाल रहे हैं, डालने के बाद उसको ज़्यादातर अच्छा से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम इसको कंपेक्शन करते हैं, और उसके बाद कंपेक्शन करने के बाद हम उसको FDT टेस्ट करते हैं। आज के लिए इतना वेव्यू काफ़ी है नाज़रीन के लिए। अस्सलामु अलैकुम।